तो दोस्तों आप सभी स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पर। SSC GD भर्ती 2021 के जितने भी कैंडिडेट आज की वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को बता दिया जाए 7 मई की सबसे बड़ी खबर आ रही है आप सभी के लिए। जितने भी हमारे SSC GD यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की GD वैकेंसी, जिसमें आपके 40,000 से ज़्यादा पद इस बार मेंशन हुए हैं और आप सभी का नोटिफिकेशन अभी हाल ही में आए एक अखबार के अनुसार इसी हफ्ते जारी होना है। नोटिफिकेशन पर इसके अलावा भी आज की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है और आपकी एज जो क्राइटेरिया है उसमें भी कुछ परिवर्तन किया गया है। ज़रूरी दस्तावेज जो आप सभी को एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स है वो आप लोगों को बनवा लेना है ताकि आपको SSC GD में भर्ती में अधिक से अधिक लाभ वेटेज पहुँच सके। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पूरी डिटेल से बात करते हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक काम कर सकते हैं आप सभी लोग, इस वीडियो को लाइक करके आप लोग शेयर कर सकते हैं उन सभी छात्रों के पास जो SSC GD की वैकेंसी तैयारी में लगे हुए हैं। अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको बता दें वीडियो के ठीक नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है, उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि SSC GD भर्ती 2021 पर पल पल की लाइव अपडेट्स आप सभी तक पहुँचा जाती हैं। काफ़ी सारे कैंडिडेटों का ये भी डाउट था कि सर अभी तो कोचिंग सेंटर भी बंद हो रहे हैं, और आपको बता दें आज एक मीटिंग होनी है मोदी जी की जिसमें वो 21 दिन का लॉकडाउन जो है घोषित कर सकते हैं। तो आप सभी के लिए काफ़ी बड़ा आज का दिन होने वाला है। अब हम पूरी अपडेट आपको यहाँ से थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ठीक है, 21 दिन का अगर आज लॉकडाउन घोषित कर दिया तो ये आप लोग मान के चल सकते हैं SSC GD का नोटिफिकेशन नहीं जारी होगा। और अगर आज 21 दिन का लॉकडाउन घोषित कर दिया गया, और जो कि दोस्तों यहाँ पे 99.9% चांसेस है कि आप सभी का आज जो है 21 दिन का लॉकडाउन घोषित कर दिया जाए, तो आपका SSC GD का नोटिफिकेशन आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो हम देखिए यहाँ पे जितने भी छात्र हैं SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, ऑफलाइन कोचिंग बंद हो चुकी है, आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे एक कार्यक्रम सेट किया गया है कि आप लोग हमारे टेलीग्राम पर जाकर तैयारी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कोई भी कमी, 1% की भी कमी हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पे नोट्स अवेलेबल कराते हैं, GK GS मैथ के सभी के, हिंदी के सभी क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग अपडेट करवाते हैं। आप सभी लोग जितने भी छात्र हैं अभी तक बात करें तो करीबन 10,000 छात्र हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ चुके हैं, क्योंकि हम लोग पूरा कंटेंट आप सभी को फ्री में अवेलेबल करा रहे हैं और अधिक से अधिक छात्र हमारे साथ जुड़ते ही जा रहे हैं। 9,990 छात्र हो चुके हैं। यहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कंटेंट है, GK GS हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी हिंदी के और मैथ के रीजनिंग के A to Z सभी नोट्स, हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल कराएं, तो काफ़ी ज़्यादा आप सभी को बेनिफिट पहुंचने वाला है। जितने भी छात्र हैं आज ही जाके टेलीग्राम पर सर्च करें सरकारी जॉब विद अभय, ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा जिस पर 10,000 के करीबन छात्र हैं। इसको आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है, अधिक से अधिक जरूरतमंद छात्रों को भी बताना है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं SSC GD के नोटिफिकेशन पर आ रही इंपॉर्टेंट अपडेट की। पूरी अपडेट हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं, तो आप लोग अच्छे से सुनिएगा और अपना जो है तैयारी करते रहिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, अधिक से अधिक छात्रों को भी बताइए कि इस टेलीग्राम चैनल पर आपका फ्री में यहाँ पे तैयारी जो है करवाई जाती है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे हिंदुस्तान टाइम्स बहुत ही बड़ी वेबसाइट है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको अपडेट्स यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं जितने भी हमारे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की GD वैकेंसी का वेट कर रहे थे उनके लिए। आपको बताते हुए यहाँ पे थोड़ा सा ठीक है तकलीफ भी होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ हज़ारों कैंडिडेट जुड़े हैं जो SSC GD के वैकेंसी का वेट कर रहे थे और यही तैयारी कर रहे थे, कि यही एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि अगस्त में भी इसके एग्ज़ाम हो जाएंगे तो भैया हम लोगों का इस बार जो है नौकरी शायद पक्की हो जाए। ठीक है, लेकिन आप सभी को बताते हुए यहाँ पे थोड़ा सा दुख भी होगा, क्योंकि आप सभी की जो नोटिफिकेशन है आप सभी का नोटिफिकेशन अब दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चांसेस कम हो चुके हैं कि आप सभी का नोटिफिकेशन इस मंथ जारी हो जाए। पूरे हम आपको डिटेल्स में बताते हैं। देखिए यहाँ पे एक तो पहली बात तो ये है कि लॉकडाउन 21 दिन का आज से लगने वाला है, मोदी जी की बैठक हो रही है। ठीक है, अगर ये लॉकडाउन लग चुका है तब तो क्लियर हो जाएगा 101% कि इस बार नोटिफिकेशन नहीं जारी होगा जून मंथ में। ठीक है, मई मंथ में जून भले जारी हो। और दूसरी ये है कि अधिकतर स्टेट्स में, चाहे हम आपका बात कर लें यूपी की, चाहे राजस्थान की, महाराष्ट्र की, दिल्ली की, सभी जगह लॉकडाउन लग चुका है, तो कैफे सेंटर सभी बंद होंगे। ठीक है, आप लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे होंगे, कई सारे कैंडिडेट तो कंटेनमेंट जोन में भी आते होंगे, तो ऐसे में आप लोगों की जो नोटिफिकेशन जारी भी हो गया तो कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो डेट बढ़ाई जाएगी, ऑनलाइन अप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो बढ़ सकती है, भले ही नोटिफिकेशन आपका 11 से 12 मई के बीच में जारी हो जाए, 9 मई एक एक्सपेक्टेड डेट बताई जा रही है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप सभी का एग्ज़ाम डेट 101% यहाँ पे मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एग्ज़ाम डेट आपकी जो 2 अगस्त थी वो बढ़ाई जाएगी, क्योंकि 2 अगस्त से 25 अगस्त के बीच में एग्ज़ाम होने थे, ये आपकी डेट भी बढ़ाई जाएगी।